महू के दशहरा मैदान में सावन के पवित्र मास में 3 से 9 अगस्त तक विश्वविख्यात कथावाचक जया किशोरी के द्वारा भक्तिमय भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। इस भक्तिमय भागवत कथा के आयोजक और संयोजक जीतू ठाकुर के द्वारा आज दशहरा मैदान पर कथा के लिए भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन का कार्यक्रम प्रातः 11 बजे सम्पन्न हुआ और कार्यक्रम के पश्चात महेश्वरी विद्यालय में सहभोज रखा गया। भागवत कथा 3 अगस्त से प्रारंभ होगी और उसके पहले भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी, जो गर्ल्स स्कूल चौराहा से प्रारंभ होकर सांगी स्ट्रीट, कोतवाली चौक, मेन स्ट्रीट, ड्रीमलैंड चौराहा, सराफा बाजार, फूल चौक, मोती चौक, हरी फाटक होते हुए कथा स्थल पर समापन होगी। कथा प्रतिदिन दोपहर 1 से शाम 5 बजे तक होगी। कथा सुनने के लिए आने वाले श्रोताओं को असुविधा न हो, इसलिए आयोजकों के द्वारा विशेष व्यवस्थाएं की जा रही है। शहर के गणमान्य नागरिक एवं श्रद्धालु के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र की भी सभी भक्त मंडलियों को आमंत्रित किया गया है और साथ ही सभी से अनुरोध किया है कि 3 अगस्त को कलश यात्रा एवं कथा में अवश्य पधारकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। सभी सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं से अनुरोध है कि सभी संस्थाएं बढ़ चढ़ कर भाग लें और कार्यक्रम को सफल बनाएं। महू से संजय वर्मा की रिपोर्ट। जी की बड़ी भागवत कथा। देखिए, ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसे संत जो जया किशोर जी है उनके मुख से ये सब कथा का आयोजन हमारे आदरणीय जीतू ठाकुर जी ने जो किया है, आज उसका भूमि पूजन हुआ और उसमें हम सब सम्मिलित हुए और महू की जनता और इंदौर जिले की जनता सभी आकर इसमें 3 अगस्त को 1 बजे से 4 बजे तक इसमें ये आयोजन रखा है, ये कथा रखी है, तो इसमें सभी श्रद्धालु भाग लेकर आपने जो उनके मुखवाणी से कथा का आयोजन हो रहा है वो सभी सुनेंगे और मैं आयोजक आदरणीय जीतू ठाकुर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ कि ऐसे बढ़िया आयोजन जो करते रहें और जनता को इसका श्रवण पान